नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और हम आपके लिए आज लेके आए हैं नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में कि कैसे शुरुआत करते हैं, क्या मशीनरी रिक्वायर्ड होता है उसका और कैसे कैसे पूरा नोटबुक तैयार होता है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि टेली मशीन क्या होता है। सबसे पहले ये हमारे पास रोल्ड पेपर है, ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास पेपर है। इसके साथ हमने इंडेक्स पेपर साथ लगा के और काउंट करके हमने पहले नोटबुक तैयार करना है। अब ये देख सकते हैं, ये पेपर है, बीच में हमने इंडेक्स लगाया है और ये टाइटल पेपर है। ये सारी चीजें हमने काउंट करके पहले तैयार कर लेनी है। तैयार करने के बाद ये मशीन आती है हमारी स्टिचिंग, फोल्डिंग एंड स्क्वेयरिंग मशीन। ऑटोमेटिक स्टिचिंग, आपका ऑटोमेटिक फोल्डिंग होगा और ऑटोमेटिक स्क्वेयर होके बाहर निकलेगा। हमने यहाँ पे तैयार करके रख देनी है। यहाँ पर हम ऑटोमेटिक फीड करेंगे, इसमें ऑटोमेटिकली स्टिचिंग करके, फोल्डिंग करके और स्क्वेयरिंग करके बाहर निकाल देनी है। एंड में हमारी ऐसे की कॉपी तैयार होगी, पूरा स्क्वेयर होके आप देख सकते हो पूरा ऐसे का तैयार होगा सारा। तैयार होने के बाद एंड में जो हमारा वेस्ट पेपर इधर आ रहा है इसको हमने कटिंग करना है। कटिंग आप हमारे पीछे देख सकते हो, ये पेपर कटिंग मशीन है प्रोग्रामेबल। इसमें हमने सारे कंप्यूटर में साइज फीड कर देने हैं, कितने बाय कितने मीटर हमें चाहिए कटिंग, और फीड करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली मेजर करके हमारा कटिंग तैयार हो जाए। एंड में हमारा फिनिश्ड कॉपी तैयार होगा, तो वो आप देख सकते हो इधर। जैसे हमारा फिनिश नोटबुक तैयार हो गया सारा, A4 का बनाना है, A4 का छोटा बड़ा जो भी कॉपी है वो सारा तैयार हो जाता है इसमें। जैसे देख सकते हो पिन सारा आपका सेंटर में आता है, बराबर पिन लगता है सारा, पूरा एक्यूरेट आपका पिन सारा तैयार होता है। और उसके बाद अगर आप पैकिंग की बात करते हो, अगर आपने लेमिनेशन वाला पैक करना है तो आप उधर देख सकते हो, लेमिनेशन वाला मशीन है। इसमें आपको मैं बता दूँ, जैसे कोई सैंपल रेडी हुए हैं ऐसे, जैसे लेमिनेशन वाला रैप किया होगा सारा, श्रिंक रैप करने के लिए ही आपका लेमिनेशन वाला रैपिंग होता है, श्रिंक रैपिंग मशीन है ऐसा। इसमें इधर से आपका रोल आ जाता है, ये जैसे रोल लगा हुआ है, आपने इसके बीच इधर कॉपी डालनी है, इधर डाल के तो आगे लेके जाके इधर ऐसे रख के ऊपर से प्रेस कर देना, तो इसने ऑटोमेटिकली श्रिंक रैप कर देना। एंड में अगर आपको पट्टी वाली रैपिंग चाहिए है, जैसे स्ट्रिप पैकिंग जिसे हम कहते हैं, अगर वो चाहिए आपको पट्टी की रैपिंग भी कर सकते हो। ये हमारी स्ट्रिप रैपिंग की मशीन है, इसमें आप इधर रखोगे कॉपी, जितने भी बंडल आपने रखने हैं इसमें रख के ऊपर से पट्टी उधर डालोगे तो इसका स्ट्रिप पैकिंग हो जाएगी। ये भी ऑटोमेटिक मशीन है, ये पूरा सेटअप ऑटोमेटिक है। 3-in-1 स्टिचिंग फोल्डिंग मशीन है, ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन है, उसके बाद पैकिंग के लिए श्रिंक रैपिंग है, एक आपका स्ट्रिप पैकिंग है। और अगर आपने स्पायरल पंचिंग करना है, जैसे आपका फाइल होती है या आपका होता है स्पायरल नोटबुक होता है वो तैयार करना है, तो आपका स्पायरल पंचिंग मशीन होगी। ये आप देख सकते हो, ये स्पायरल नोटबुक तैयार होगा इसमें, इसमें साइड में बोर्ड लग के स्प्रिंग लगता है, वो सारा नोटबुक आपका इसमें तैयार होता है। ये भी ऑटोमेटिक मशीन है, तो ये पूरा सेटअप इधर लगा होगा। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों, वीडियो में जो आप मशीन देख रहे हो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आप सभी टाइप का बड़ा छोटा नोटबुक रजिस्टर बना सकते हो। ऐसे कि आपको मैनुअल मशीन चाहिए तो मैनुअल में भी आप काम शुरू कर सकते हो, जो कि आपका कम बजट में भी शुरू हो जाता है।
दोस्तों नोटबुक्स को तैयार करने के बाद काम आता है उसको पैक करने का, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है नोटबुक श्रिंक पैकिंग मशीन। इसमें आपने 5-5, 6-6 नोटबुक का सेट बना के ऊपर लैमिनेशन चटा के रख देना है और इसने ऑटोमेटिकली श्रिंक करके आपके नोटबुक को रैप कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपने नोटबुक को उसके बीच में लैमिनेशन चढ़ा के रखना है और इसने ऑटोमेटिकली आपको श्रिंक रैप करते जाना है, तो जिस वजह से आपका नोटबुक का कोई भी मॉइस्चर नहीं आता और नोटबुक को जितने मर्जी देर आप स्टॉक में रख सकते हो। तो इसका वीडियो आप देख सकते हो कितना आसान काम है ये भी।